रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर फ्रेश बैचेस क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12, स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम CBSE एंड ICSE. नया बैच 15 मार्च 2020 से स्टार्ट. 9576144386. नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी. प्रस्तुत है समाचार. मांझी आपसे अनूप सिंह की रिपोर्ट. ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी शिक्षा देने के लिए मोरबी ग्राम में दून पब्लिक स्कूल का संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित व फीता काटकर उद्घाटन किया गया. विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी समाज सेवी अभिमन्यु सिंह उर्फ बबलू सिंह जिसका मुख्य अतिथि थे. इस मौके पर समाज सेवी अभिमन्यु सिंह ने कहा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना उचित समझ रहे हैं और अपने बच्चों को भविष्य बनाना चाहते हैं. इस क्षेत्र के आसपास में CBSE का उच्च शिक्षा योग्य स्कूल नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकार में था, जो आज भी अंधकार दूर हो गया और बच्चों के अच्छे भविष्य को संवारने के लिए राहुल सिंह के द्वारा दून पब्लिक स्कूल खोला गया. वहीं अभिमन्यु सिंह ने यह भी कहा कि हम सब अच्छे कपड़े पहने या ना पहने, उसे कुछ नहीं होने वाला. जब तक आप और हम अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से भविष्य को उज्जवल नहीं करते हैं, तब तक यह सब बेकार है. उन्होंने ग्रामीण जनता से भी आग्रह करते हुए कहा कि जो भी बच्चे अच्छे शिक्षा लेना चाहते हैं, उन बच्चों को तत्काल एडमिशन कराकर उच्च शिक्षा की शुरुआत करें. वहीं स्कूल के संस्थापक राहुल कुमार सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे भ्राता श्री समाज सेवी हैं और मैं भी समाज सेवा करना चाहता हूँ. मंच का संचालन बबलू भारती ने किया. वहीं स्कूल उद्घाटन समारोह में विशाल सिंह, चोटन सिंह, प्रदीप कुमार, राजू कुमार, रजीश पाठक, सरोज पासवान, लड्डू पांडे, बबलू विश्वकर्मा, योगेंद्र पासवान, संदीप कुमार भारती सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे. इस धरती पर हमने पैदा लिया है, उस धरती पर स्कूल का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए सदा की बात है. क्योंकि बहुत कम लोगों को यह चीजें मिल सकती है. किसी धरती पर जन्म लेने के बाद यहीं पे आप समाजचर्या का काम करें और आपको हर जगह बुलाया जाए और सम्मानित किया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं. आज जो हमारे गांव की परिस्थितियां हैं, कार्यों के लिए मैं राहुल जी को धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अपने स्कूल में गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिलाएं, बच्चों का समुचित शिक्षा की व्यवस्था करें, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यहां से निकलकर आपके गांव जवार जिला का नाम रोशन करें. इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. हमारे यहाँ किसी भी तरह की बुराई नहीं रहेगी, इसीलिए मैं इनसे आग्रह करूंगा कि कम से कम जिस स्कूल का आपने स्थापना किया है, समय समय पर इसका निरीक्षण भी करते रहेंगे और लोगों का सहयोग अभी लेते रहेंगे. धन्यवाद. मैंने विद्या सागर इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी. उस समय मोरबे में एक क्लास का लड़का भी शुद्ध रूप से ABCD नहीं लिखता था, लेकिन आज 27 साल तक आपके गांव में मैंने विद्यालय का योगदान किया, लेकिन यह विद्यालय छोटा सा पैमाना पर रह गया. आपके गांव में जो धूम पब्लिक स्कूल स्थापित की जा रही है, इसमें अनुभवी शिक्षकों द्वारा आधुनिक तरीकों से शिक्षा दी जाएगी. अतः आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक बच्चों का इसमें नामांकन कराएं और विद्यालय को विकसित होने का अवसर दें. आप जानते हैं कि शिक्षा ही आज के युग में सर्वोपरि है. बिना शिक्षा के मानव पशु की समान है. विद्वत्वं च निर्पत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते. विद्वान और राजा में तो तुलना की ही नहीं जा सकती है.
क्योंकि विद्वान की पूजा सभी जगह होती है और राजा तो अपनी की पूजा तो अपने देश में होती है। अतः यदि आपके बच्चे यदि विद्वान बनेंगे, कर्मठ बनेंगे, उद्दार बनेंगे, समाज सेवी बनेंगे तो अवश्य ही केवल गांव का ही विकास नहीं होगा, पूरे भारत में, पूरे झारखंड में विद्यालय के रूप में निर्मय गांव जाना जाएगा। अतः आप अधिक से अधिक बच्चों का एडमिशन करा करके अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करें। धन्यवाद। आपके गांव में जो धूमधाम पब्लिक स्कूल स्थापित की जा रही है, इसमें अनुभवी शिक्षकों द्वारा आधुनिक तरीकों से शिक्षा दी जाएगी। अतः आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक बच्चों का इसमें नामांकन कराएं और विद्यालय को विकसित होने का अवसर दें। आप जानते हैं कि शिक्षा ही आज के युग में सर्वोपरि है, बिना शिक्षा के मानव पशु की समान है। विद्वत्वं च निर्वत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा में तो तुलना की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि विद्वान की पूजा सभी जगह होती है और राजा तो अपनी की पूजा तो अपने देश में होती है। अतः धन्यवाद।